स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा महायज्ञ की रथ यात्रा के प्रदेश संयोजक श्री मनोज गोयल जी आज हमारे बीच में रथ यात्रा को कोसी में लेकर आए, जिससे कोसी वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आप जो है ना, अभी 5 मिनट पहले भी देखा होगा मैंने फोटो राय के माध्यम से कि कैसे गोयल जी का भव्य स्वागत किया गया कोसी वासियों को देने। इसी बीच गोयल जी के 200 कोसी वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आनंद भाई। मैं कोसली समाचार की ओर से भाई दयानंद जी का, भाई नसीब जी नागल का इस रथ यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। वो अपने चैनल में, यूट्यूब चैनल में, पेपर में और सब ग्रुपों में जो भी न्यूज़ भेजने का कार्य करते हैं, मैं बुगला मुखी उनको पूरा आशीर्वाद दें और उसमें लगे रहें। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाल कर हमारी रथ यात्रा में, हमारी रथ यात्रा को अपने चैनलों पर दिखाने के लिए, इंट्रो के लिए यहाँ पर आए हैं। हम हृदय से उनके आभार प्रकट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये रथ यात्रा लाल किला मैदान से माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र रक्षा महायज्ञ के लोगों को जोड़ने के लिए शुरुआत रवाना कराई थी। हमने हरियाणा में इसको 14 मार्च से गुड़गांव से शुरू करा। गुड़गांव में 10 कार्यक्रम उस दिन हुए। अगले दिन भी गुड़गांव वालों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। 15 तारीख को भी सेक्टर 10 में भव्य कार्यक्रम के बाद ये रथ यात्रा इस्माइलपुर, बादशाहपुर, सोना में 2 भव्य कार्यक्रम, उसके बाद नगीना में 150 समुदाय के लोगों ने इस राष्ट्र रक्षा महायज्ञ रथ यात्रा का जो स्वागत किया वो काबिले तारीफ। मैं उस नगीना गांव की माटी को नमन करता हूं कि 150 हमारे छोटे से आमंत्रण पर रथ पर चढ़कर इस राष्ट्र रक्षा महायज्ञ का स्वागत किया। उसके बाद पिनगवा, पुनाना, फिरोजपुर, झिरका, तावड़ू, भिवाड़ी, भव्य स्वागत आतिशबाजी के साथ, बैंड बाजों के साथ, पुलिस फोर्स के साथ, पूरे मेवात जिले में भाई पुलिसकर्मी हमारे साथ, पूरे विभाग के स्वयं ही जुड़े रहे, अपने आप रथ यात्रा को पायलट देते रहे और सकुशल मेवात से निकाल कर और भिवाड़ी जिले में इसका प्रवेश करवा कर गए। भव्य इस यात्रा का हर जगह स्वागत हुआ। हर वर्ग, हर बिरादरी, हर क्षेत्र के लोग इससे जुड़ते रहे, हम उनके आभारी हैं। और ये रथ यात्रा राष्ट्र रक्षा महायज्ञ से लोगों को जोड़ने के लिए निकाली जा रही है। माँ बगला मुखी शक्ति की देवी है, कहते हैं माँ बगला मुखी की पूजा अर्चना करने से सारे जीवन के कष्ट नष्ट हो जाते हैं, दुश्मन का सर्वनाश हो जाता है। एक बार नाम लेने से या तो दुश्मन दोस्त हो जाता है या दुश्मन का सर्वनाश हो जाता है। मुझे तो माँ की पूजा इसलिए करनी है कि पहले वाला ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माँ की पूजा करेंगे तो पहली बात तो कोई दुश्मन है नहीं, अगर होगा तो भी दोस्त बन जाएगा। तो इस माँ की रथ यात्रा को निकालने का उद्देश्य है मेरा लोगों को इस रथ यात्रा से जोड़ना, रक्षा महायज्ञ से जोड़ना। इसके जो मेन विषय है वो जो 8 बिंदु उस 8 कुंडलीय यज्ञ में जो 8 दिन चलेगा लिए जाएंगे, वो मुझे इस ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए मैं इस रथ यात्रा से मुख्य रूप से जुड़ा। वो 8 बिंदु हैं महिलाओं के सम्मान की रक्षा का संकल्प, पर्यावरण की रक्षा का संकल्प, स्वच्छता की रक्षा का संकल्प, वोट करने का संकल्प, भ्रष्टाचार से मुक्ति का संकल्प, संविधान की रक्षा का संकल्प, देश की संपत्ति की रक्षा का संकल्प, आतंकवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद के विनाश का संकल्प। इस रथ यात्रा के में जो राष्ट्र रक्षा महायज्ञ 8 दिन लाल किला मैदान पर चलेगा उसके 8वें दिन लिया जाएगा। हर व्यक्ति से लेकर, आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति तक इस महायज्ञ में जुड़े हैं। 2.25 करोड़ मंत्रों के जाप से 1111 ब्राह्मण 108 कुंडली महायज्ञ करने जा रहे हैं। ये यज्ञ विश्व का और भारत का पहला माँ बगले मुखी का लाल किला के समक्ष यज्ञ होगा। ऐसा भव्य यज्ञ और ऐसा भव्य स्वागत कोसली की जनता ने यहाँ किया है, सारे संगठनों ने किया है, जितने भी कोसली के सामाजिक संगठन थे, चाहे वो भारत स्वाभिमान हो, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे वो दयावान संगठन हो, चाहे वो आर्य समाज हो। मैं कहता हूँ कि मैं जितने नाम के नाम उतने थोड़े, कोसली क्षेत्र की जनता ने गृह क्षेत्र में इतना भव्य स्वागत इस रथ यात्रा का किया। एक प्रोग्राम अभी कोसली स्टेशन पर व्यापारियों ने किया, अग्रवाल समाज के लोगों ने किया, पंजाबी समाज के लोगों ने किया, सर्व बरादरी के लोगों ने अग्रवाल राम रतन कर धर्मशाला कोसली में भव्य स्वागत किया। इनका भव्य खान पान के साथ, शाम के भोजन के साथ बहुत बढ़िया कार्यक्रम वहां पर हुआ और सारे कार्यक्रमों को फ्रेम गोठा दिखाते हुए जो कोसली गाँव के भक्तों ने, संगठनों के लोगों ने प्रोग्राम किया है, मैं ऐसा प्रोग्राम इनका तहे दिल से आभार करता हूँ। मैं इनका ऋणी रहूंगा कि मेरे छोटे से आमरण पर ये सारे लोग हर समय
हमें सहयोग देने के लिए, देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी माटी में हमें जन्म मिला, ऐसे क्षेत्र में हम जन्म मिला, हम इस क्षेत्र की माटी के ऋणी हैं कि यही भावना हमारी बनाए रखे इन साथियों की, और यही देश की रक्षा करते रहे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, खासकर कौशली समाचार चैनल का, यूट्यूब चैनल का, भाई निसाब नसीब जिनागल का, भाई दयानंद जी का, इन्होंने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और अपने चैनल पर इस रथ यात्रा का ये प्रचार आने वाले समय में लगातार 25 मार्च तक करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरे बड़े भाई दयानंद आर्य जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने छोटे से निमंत्रण पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ताओं को जमावड़ा लगाया, और ये सारा जीवन इन्होंने राष्ट्र रक्षा में लगाया है, तो इनका तो बट नेचुरल स्वाभाविक है इससे जोड़ना। और जितने भी भाई बंधु मेरे साथ हैं, ये सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बार बार आभार इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, इन लोगों ने मुझे जो प्रेम दिया है, जो हमेशा स्नेह देते हैं। एक बात को बार बार कहने का मकसद ये है कि आप समझ सकते हैं कि मैं कितना गदगद हूँ यहाँ के लोगों से, मेरे भाइयों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी। हाँ तो दोस्तों, परिवर्तन जगत का नियम होता है, जो गोयल साहब बदलाव की बात कर रहे हैं समाज को, ये इनका एक सराहनीयपूर्ण कदम है, और आपने गोयल साहब को सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और कोसी समाचार के साथ जुड़े रहे एक नए चेहरे के साथ, अगले समय फिर मिलेंगे, और ये टेलीकास्ट 25 दिनों तक चलेगा, 25 तारीख तक दिल्ली पहुँच कर, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मनोज गोयल जी के साथ राष्ट्रीय महायज्ञ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, और एक चम्मच घी डालकर पूर्ण आहुति दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जय मां ज्वालामुखी, बुगला मुखी।